नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैंकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन देखे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हो, या फिर आप हमारी साइट पर जाओगे www.paperhacker.in, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, बटन मिल जाएगा लिंक का, तो वहां से आप इजीली जा सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी प्रकार से पढ़ना है इसके। ठीक है, तो बात करते हैं, जो क्वेश्चन हो जाता है वो है, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन के कारणों तथा कार्यक्रमों पर वर्णन कीजिएगा। ठीक है, या फिर अथवा में आपको देखने को मिल सकता है कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिएगा, या इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से घुमा सकता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, प्रगति, दोष और महत्व पर प्रकाश डालिएगा, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन को दे सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम एवं उसकी प्रगति का विवेचना कीजिएगा। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन के बारे में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर, मतलब इसके आंसर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे क्या, महात्मा गांधी, है ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने डाल दिया हेडिंग महात्मा गांधी, अब कह रहे हैं यहां पर उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं, याद रखा है 1893 में दक्षिण अफ्रीका सरकार, क्या था, दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंग भेद नीति को सफल विरोध करने के पश्चात, कैसा, सफल विरोध करने के पश्चात 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915 में आए थे, याद रखना, कब आए थे भाई, 1915 में भारत आए थे। भारत आने के बाद शीघ्र ही भारतीय राजनीति का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। आते ही क्या हुआ, उनके हाथों में राजनीति का नेतृत्व आ गया। फिर देखा गांधी जी को, गांधी जी को भी अपने गुरु कौन थे, गोखले, पूछ सकता है गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गा से गांधी और गा से गोखले। ठीक है, गोखले की भांति अंग्रेजों की सच्चाई व ईमानदारी में पूर्ण विश्वास था, जिस प्रकार से गोखले को अंग्रेजों में पूर्ण विश्वास था, उदारवादी थी, उसी प्रकार से गांधी जी भी कैसे थे, अंग्रेजों के प्रति उदारवाद थे। ठीक है, तो पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के साथ तन मन धन से सहयोग करने की अपील की थी। ठीक है, फिर देखा ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सराहना की तथा उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो आप पूछ सकते हो, पूछ सकता है एग्जाम में कि एमसी की क्वेश्चन के अनुसार कि केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई है, तो महात्मा गांधी को दी गई है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी, हेडिंग कौन सी है, महात्मा गांधी अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी कैसे बने। ठीक है, इसके बारे में यहां पर हम हेडिंग डाल दी, अब हम क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया, अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया था, किंतु भारतीय राजनीति में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण महात्मा गांधी असहयोगी हो गए। कैसे हो गए भाई, असहयोगी हो गए। असहयोगी होने के प्रमुख घटनाएं निम्न प्रकार थी, असहयोगी होने की प्रमुख घटनाएं निम्न प्रकार थी, आगे हम यहां पर देखने वाले हैं। तो पहला दे रखा है, कौन सी घटना थी, रोलेट एक्ट, है ना, रोलेट एक्ट। कांग्रेस ने 1918 के दिल्ली अधिवेशन में सरकार से यह मांग की थी कि उन सारे कानूनों व अध्यादेशों को समाप्त कर दिया जाए जिसके द्वारा राजनीतिक समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्वक वाद विवाद नहीं किया जा सकता, जिन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता उनको क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए, और नेताओं को चाहे जब गिरफ्तार कर लिया जाता है परंतु सरकार ने इस प्रार्थना का उत्तर दमनकारी रोलेट एक्ट के रूप में दिया। किसके रूप में दिया, दमनकारी रोलेट एक्ट के रूप में दिया। फिर इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि सरकार किसी भी संदेहास्पद
व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए इच्छा अनुसार कितने ही समय तक जेल के अंदर रख सकती थी। किसके अनुसार? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, फिर रखा है इस बिल को क्या कहते थे, इस बिल को ही काला कानून कहते थे। किसको? रॉलेट एक्ट को ही काला कानून की संज्ञा दी गई थी कह सकते हैं। ठीक है, फिर रखा है काला कानून नाम दिया गया। गांधी जी ने इस संबंध में कहा कि हमने मांगी थी रोटी किंतु मिले क्या पत्थर। गांधी जी ने क्या मांगी थी? रोटी किंतु मिले क्या पत्थर। इसे देखा है इस बिल के कारण फिर से भारतीयों के असंतोष की लहर दौड़ गई, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए घोषणा की कि यदि सरकार ने रॉलेट एक्ट स्वीकृति प्रदान की तो मैं सत्याग्रह शुरू कर दूंगा। अगर रॉलेट एक्ट को आप स्वीकृति प्रदान करोगे तो हम क्या कर देंगे? सत्याग्रह शुरू कर देंगे। इस चेतावनी के बावजूद 18 मार्च 1919 ध्यान रखना यह तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट बिल पास कर दिया गया। कब किया गया था भाई? 18 मार्च 1919। एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कर दिया गया और कानून बन गया। ठीक है भाई, यहां पर क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया 18 मार्च 1919 में। गांधी जी ने देश को तूफानी दौर दिया, दौर क्या है? तूफानी दौरा किया और लोगों को सलाह दी कि सत्याग्रह तथा अहिंसात्मक तरीके से इस काले कानून का विरोध करें। कैसे करें? अहिंसात्मक, हिंसा नहीं अपनानी है। कैसे करना है? अहिंसात्मक तरीके से काले कानून का विरोध, रॉलेट एक्ट का विरोध करें। यहां देखिएगा फिर 16 अप्रैल को समस्त भारत ने सत्याग्रहण दिवस मनाया। क्या मनाया भाई? 16 अप्रैल को क्या मनाया था? सत्याग्रह दिवस मनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 16 सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया तथा जुलूस निकाले गए, सभाएं, हड़ताल, उपवास आदि किए गए पंजाब और आगे देखिएगा। ठीक है, बड़ा करते हैं इसके लिए, पंजाब और बंगाल में, कहां पर? पंजाब और बंगाल में भी तीव्र विरोध प्रदर्शन किए गए। परिणाम स्वरूप दोनों जगह सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। सरकार ने क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। इसी संदर्भ में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब सेकंड हेडिंग हमारी क्या आ जाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हेडिंग में पहले हमारी कौन सी थी? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या चले? सत्याग्रह। सत्याग्रह के बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है भाई, आपने हेडिंग डाली सेकंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर रखा है रॉलेट एक्ट के खिलाफ सारे भारत में असंतोष फैल गया था। जगह जगह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे थे। पंजाब में भी प्रदर्शन और सभाएं की जा रही थी। 13 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सदैव स्मरण रहेगा। इस दिन पंजाब के तात्कालिक क्रूर गवर्नर माइकल ओ डायर, कौन थे? माइकल ओ डायर और जलंधर डिवीजन के कमांडर जनरल डायर ने मिलकर सैकड़ों निरपराधी महिलाओं व पुरुषों को जलियांवाला बाग कांड में हत्या कर दी थी। आपको पता ही है ना, 13 अप्रैल 1919, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उक्त कांड की जांच के लिए सरकार द्वारा हंटर समिति, आप पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के अनुसार कौन सी समिति बैठाई गई थी? तो वो हो जाती है हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इनके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट दी उसमें डायर के काले कारनामों जो थे उनको छिपा लिया गया तथा यही नाम डायर के कार्यों की प्रशंसा की गई और उसे निर्दोष मान लिया गया। हंटर समिति की रिपोर्ट से भारतीयों को बड़ा आघात पहुंचा। क्या पहुंचा? बड़ा आघात पहुंचा और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंग्रेजों से उचित व्यवहार तथा न्याय की आशा करना व्यर्थ है। अरे 20 साल तो पहले ही करते हुए आ रहे थे, 1885 से लेकर, है ना,
कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 से लेकर 1905 तक, कैसा था? उदारवादी काल था, है ना। उसके बाद भी ये उन पर विश्वास करते थे। अब इन्हें पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ, इनसे न्याय की आशा व्यर्थ है। फिर देखा गांधी जी ब्रिटिश सरकार के शत्रु बन गए और असहयोग आंदोलन के मार्ग पर चलने को बाध्य हुए, ठीक है, मजबूर हो गए। आगे देखते हैं। अब हमारा तीसरा जो हो जाती है हेडिंग, वो हो जाती है क्या, रुकिएगा, तीसरी हेडिंग जो हो जाती है वो हो जाती है खिलाफत का प्रश्न। क्या? खिलाफत का प्रश्न। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने टर्की के विरुद्ध विश्व युद्ध में भाग लिया था। प्रथम विश्व में ब्रिटेन ने टर्की के विरुद्ध विश्व युद्ध में भाग लिया था। भारत के मुसलमानों भी कि टर्की के साथ सहानुभूति थी। किसके साथ? टर्की के साथ सहानुभूति थी। भारतीय मुसलमानों को यह डर था कि युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार टर्की से बदला अवश्य लेगी। टर्की से युद्ध के बाद क्या करेगी? बदला अवश्य लेगी और टर्की के खिलाफ विघटन कार्यवाही करेगी। देखा है भारतीय मुसलमानों के इस भय का जब ब्रिटिश सरकार को पता चला तो युद्ध के दौरान ही उसने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि वह ना तो टर्की को साम्राज्य का विघटन करेगी और ना ही टर्की के विरुद्ध प्रतिरोध का नीति अपनाएगी, ना ही प्रतिरोध करेगी और ना ही टर्की का विघटन करेगी। फिर देखा इस आश्वासन के प्राप्त होने पर भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों को बहुत अधिक सहायता की। जब उन्हें आश्वासन दे दिया तो अंग्रेजों जो मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान, उन्होंने क्या की? अंग्रेजों की बहुत अधिक सहायता की। किंतु आपको पता है अंग्रेज क्या थे? किंतु युद्ध के समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार भारतीय मुसलमानों को दिए गए आश्वासन जो दिया था उसे भूल गए। यदि भूल गई ना, और उसके टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। देखो भाई, पहले कह रहा था टर्की साम्राज्य का विघटन नहीं करेंगे, आश्वासन दिया, उसके बाद में टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। अतः भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। आगे देखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट, टर्की विभाजन। यहां पर आप ध्यान रख सकते हो कि टर्की विभाजन, पहले सहयोग दिया उसके बाद में टर्की का विभाजन कर दिया। यहां पर हेडिंग याद होगी इतनी, ठीक है, कुछ नहीं है इस हेडिंग में। बात करते हैं आगे, प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने भी हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करने के लिए हिंदुओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने को कहा। उपयुक्त कारणों से गांधी जी ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोगी से असहयोगी बन गए, है ना। पहले सहयोगी थे, उसके बाद क्या बन गए? असहयोगी बन गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन और गांधी जी का असहयोग, ठीक है। कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन और गांधी जी का असहयोग, ठीक है भाई। बढ़ते हैं हेडिंग की ओर। तो क्या है? आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय। आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय इसमें लिया था, ये हेडिंग हमारी पड़ गई। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी की ओर। तो देखा है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर कब हुआ था? 1920 में कलकत्ता में हुआ था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का शुभ अवसर देखकर सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा। तो पूछ सकता है जो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ जो का प्रस्ताव जो था वो किस अधिवेशन का गया था? तो वो हो जाता है कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में, ठीक है भाई, वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं, प्रस्ताव रखते हुए गांधी जी ने कहा, क्या कहा था? ब्रिटिश सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। स्वराज्य के बिना पंजाब तथा खिलाफत की भूलों की पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। गांधी जी का प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। गांधी जी का जो प्रस्ताव था वो क्या हुआ? बहुमत से अधिवेशन में पास हो गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, फिर क्या हुआ कांग्रेस का? पहले हुआ कलकत्ता, कहां होगा? नागपुर में। तो दिसंबर 1930 में कांग्रेस का नागपुर में नियमित अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी के सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुनः भारी बहुमत से
पारित कर दिया गया। दोबारा कब हुआ? पहले हुआ था 1920 में, अब कब हुआ? 1930 में। कौन सा? नागपुर वाला। पारित कर दिया गया, परंतु अधिवेशन में कुछ विशेष प्रस्ताव किए गए जो अग्र प्रकार से हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम देखने वाले हैं कौन कौन से प्रस्ताव हो जाते हैं। तो पहला जो प्रस्ताव हो जाता है इस अधिवेशन में, कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण राजस्व घोषित किया गया। अभी तक कांग्रेस का लक्ष्य केवल ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना था। क्या करना था? अब तक सिर्फ स्वशासन प्राप्त करना था। आगे देखते हैं, कृपया स्वराज प्राप्ति के साधनों में भी परिवर्तन किया गया। अभी तक राजस्व प्राप्ति के लिए केवल वैधानिक साधन ही प्रस्तुत किए जा सकते थे, परंतु अब यह घोषणा किया गया कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए सभी शांतिपूर्ण उचित साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। कैसा? स्वतंत्रता के, स्वराज्य के प्रति सभी शांतिपूर्ण तथा उचित साधनों का प्रयोग किया जाता है। करना शांतिपूर्ण ही है। देखा, इस प्रकार नागपुर अधिवेशन का राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जीवन में पहली बार सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी कदम उठाया। कांग्रेस ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की मार्ग को त्याग कर सीधा कार्यवाही, सीधी कार्यवाही या फिर डायरेक्ट एक्शन का मार्ग ग्रहण किया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखा है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन से वस्तुतः भारत के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ होता है। निर्बल क्रोध और अग्रहपूर्ण प्रार्थनाओं का स्थान उत्तरदायित्व के लिए नवीन भाव और आत्मनिर्भरता की भावना के लिए भारतीय जनता ने यह महसूस किया है कि उसे स्वतंत्र होना है तो उसके लिए उसे स्वयं ही प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आती है हेडिंग ये। ठीक है, ये सारी की सारी, आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है अपना क्या, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कब चला था, इसको देख लेते हैं। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसके मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार से हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम हमारी हेडिंग है, इसको देखते हैं। दे रखा है अपना पहला प्रकार कौन सा हो जाता है, सरकारी उपाधियों और नैतिक पदों को त्याग दिया जाए। किनको? सरकारी जो उपाधियां दे रखी हैं और जो अवैतनिक पद हैं उनको क्या कर दिया जाए भाई, त्याग दिया जाए। पहला क्या था, कार्यक्रम। कार्यक्रम के मतलब प्रकार हो जाते हैं। दूसरा हो जाता है स्थानीय संस्थानों को जो स्थानीय संस्थानों मनोनीत हैं सदस्य अपने त्याग पत्र दे दें। और थर्ड हो जाता है सरकारी और अर्ध सरकारी समारोह में उपस्थित ना हो। चौथे की बात करते हैं, सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया जाए तथा अदालतों का बहिष्कार किया जाए और विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। और सातवां हो जाता है, यहां पर ऊपर करते हैं, देखेगा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर रखा है मॉन्टफोर्ट सुधार योजना के अंतर्गत बनने वाले विधानमंडल के निर्वाचनों में उम्मीदवार भाग ना लें और मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग ना किया जाए। उपयुक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त कांग्रेस के कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी थे, घोषित थे। यहां पर घोषित है, ठीक है, घोषित किए गए। कौन कौन से आते हैं? पहला हो जाता है स्वदेशी माल का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, विदेशी माल का बहिष्कार करो, स्वदेशी माल अपनाओ तथा हथकरघा और बुनाई का व्यापक प्रचार किया जाए, खुद का पहनो। तीसरा हो जाता है सरकारी स्कूलों के स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाएं। और चौथा हो जाता है अपना अस्पृश्यता का निवारण किया जाए, छुआछूत जो होती है उसका निवारण किया जाए। तथा पांचवा हो जाता है हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया जाए। और छठा हो जाता है पंचायतों की स्थापना की जाए। या फिर आप सिर्फ पांच ही यहां पर कर सकते हो, चार से पांच लिख सकते हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, मगर आपको ये याद तो करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते, याद करना ही क्या है, सारे के सारे याद होते ही चले गए ये तो, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हो जाता है अपना आंदोलन की प्रगति। अब क्या देखने वाले हैं, हम अब देखने वाले हैं आंदोलन की प्रगति। तो गांधी जी ने अपने आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु देश का व्यापक दौरा किया। पहले क्या किया, देश का व्यापक दौरा किया। आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने स्वयं अपना पदक
ब्रिटिश सरकार को वापस करके किया। कौन सा? केसर ए हिंदू दीदी, उसे वापस कर दिया गया। इसके पश्चात सैकड़ों लोगों ने अपनी पदावधियों को परित्याग कर दिया। बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों से अपने नाम कटवा लिए और राष्ट्रीय विद्यालयों में भर्ती हो गए। पंडित मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बहुत से वकीलों और नेताओं ने वकालत छोड़ दी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया तथा विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता भी देखी गई। आंदोलन में डॉक्टर अंसारी, अली बंधुओं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे मुस्लिम मुस्लिम नेताओं ने भी भाग लिया। इसके अलावा फरवरी 1921 में और नवंबर 1921 में कन्नौट के ड्यूक प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। किनका किया गया? ड्यूक प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया गया सरकार की ओर से दमन। अब सरकार की ओर से दमन क्या हुआ इनके ऊपर? जब गांधी जी का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और जगह जगह पर सरकारी कार्यों का बहिष्कार कर रहा था, ठीक है, बहिष्कार हो रहा था, आंदोलन व सभाएं की जा रही थी और इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने अपना दमन चक्र प्रारंभ किया। आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत से नेताओं को गिरफ्तार और प्रताड़ित किया गया। लोगों पर जुर्माने किए गए तथा सरकार के द्वारा राष्ट्रद्रोह तथा सभा कानून बनाया गया। कौन सा? राष्ट्रद्रोह सभा कानून बनाया गया, जिसके अनुसार कांग्रेस तथा खिलाफत समिति को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस प्रकार सरकार का दमन चक्र इस आंदोलन को कुचलने के लिए प्रारंभ किया गया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखा है चोरी चोरा की हिंसा और आंदोलन की समाप्ति। तो चोरी चोरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में, है ना? क्या कहते हैं? 5 फरवरी 1922 में चोरी पार्टी फरार हो गए। ठीक है भाई, बात करते हैं शासन के दमन, नेताओं की गिरफ्तारी व जनता के अपरिमित उत्साह के वातावरण में दिसंबर 1921 को अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहां हुआ था? अहमदाबाद में 1921 में क्या हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें आंदोलन को तीव्र करने का निर्णय लिया गया। 1 जनवरी 1922 को कांग्रेस तथा सरकार के बीच समझौता हुआ। ये इंपोर्टेंट है, ये डेट याद कर लेना, 1 जनवरी 1922 को, ठीक है, कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता हुआ। समझौते के लिए सर्वदल सम्मेलन के रूप में प्रयत्न किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। अंत में गांधी जी ने विवश होकर 1 फरवरी 1922, कब? 1 फरवरी 1922 को वायसराय को सीधी चेतावनी देते हुए पत्र लिखा कि यदि सरकार ने एक सप्ताह के अंदर अपनी दमन नीति को परित्याग ना किया तो बारदौली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। कहां करेंगे? बारदौली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। परंतु अभी तक यह सप्ताह पूर्ण भी हो गया, इसके लिए सभी घटनाएं घटित हुई जिसमें संपूर्ण स्थिति को ही बदल दिया। 5 फरवरी 1922, अब कौन सी डेट आई? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर कांग्रेस की ओर से जुलूस निकाला गया। पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया, जिससे उत्तेजित होकर भीड़ ने वहां थाने में आग लगा दी और थानेदार सहित कितने लोग थे? 21, याद कर लेने का 21, ठीक है। पूछ सकता है कि चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1921 में कितने सिपाही की मृत्यु हुई थी? तो 21 सिपाहियों को जलाकर मार डाला। गांधी जी के अहिंसात्मक मन को इस घटना से तीव्र आघात पहुंचा। उन्होंने यह अनुभव किया कि आंदोलन अपना अहिंसात्मक रूप खोकर हिंसात्मक रूप ले रहा है। अतः गांधी जी ने आंदोलन क्या कर दिया? फिर आंदोलन को स्थगित करना ही उचित समझा। अगर उचित नहीं समझते तो क्या हो जाता? फिर
तो क्रांति हो जाती। फिर क्या आंदोलन स्थगित क्यों किया गया, इसकी एक क्वेश्चन है, आंदोलन स्थगित क्यों किया गया। अब इसके देखते हैं क्यों किया गया था, ठीक है, उसके बारे में देख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखा है जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निश्चय किया उस समय वह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण गांधी जी को आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। गांधी जी के उक्त कदम का देश के नेताओं ने व्यापक विरोध किया। भाई व्यापक विरोध करेंगे, है ना, कोई बात नहीं। देश क्या कह रहा है यहां पर, गांधी जी के उक्त कदम का देश के नेताओं ने व्यापक विरोध किया, जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लजपत राय ने जेल से ही गांधी जी को विरोधापूर्ण पत्र लिखे, उन्हें किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़े हाथों लिया। फिर देखा है सुभाष चंद्र बोस ने भी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है कि आंदोलन का उस समय एक स्थगित किया जाना जबकि वह उच्च पराकाष्ठ पर था, किस पर था, उच्च पराकाष्ठ पर था, एक राष्ट्रीय संकट के समान था। कैसा था, एक राष्ट्रीय संकट के समान था। श्री बीपी मेनन ने लिखा है कि यदि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन उस समय समाप्त नहीं किया जाता जबकि यह शासन के लिए अत्यधिक चिंता का विवश बन रहा था, तो संभवतः सरकार जनमत को संतुष्ट करने के लिए कार्य करने का बाध्य हो जाती। ये कह रहे हैं बाध्य हो जाती, मगर महात्मा गांधी कुछ अलग सोच रहे थे। इसको देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, देखिएगा। फिर देखा है गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने का तात्कालिक कारण यद्यपि चोरी चोरा घटना थी, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी कारणों से भी गांधी जी को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। इस संबंध में पंडित मोतीलाल नेहरू ने आत्मकथा में क्या लिखा है यदि आंदोलन स्थगित ना किया जाता तो जनता के में हिंसक प्रवृत्ति बलवती हो जाती और सरकार से उसका भीषण संग्राम छिड़ जाता। ये बात बिल्कुल सही थी। फिर देखा है जिसमें सरकार को विजय प्राप्त होती, सरकार क्या हो जाती, अंग्रेज विजय प्राप्त हो जाते, इसके अलावा आंदोलन स्थगित किए जाने के संबंध में अन्य कारण पर प्रकाश डालते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या लिखा है आंदोलन केवल चोरी चोरा के कारण स्थगित नहीं किया गया, वरन वास्तविक यह थी कि यद्यपि बाहर से हमारा आंदोलन बड़ा शक्तिशाली दिखाई दे रहा था और बड़ी प्रगति पर था, किंतु यह छिन्न भिन्न हो रहा था। कैसे हो रहा था, छिन्न भिन्न हो रहा था। हमने अहिंसात्मक चलाया था मगर यह हिंसा का रूप ले रहा था। आगे देखते हैं, वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रमुख नेताओं को बंदी बनाए जाने से आंदोलन में सफल संचालन के लिए योग्य नेतृत्व का अभाव हो गया था। जनता के प्रतिशोध की भावना प्रबल हो रही थी तथा हिंसात्मक रास्ते की ओर बढ़ रही थी। अतः गांधी जी ने यह महसूस किया कि आंदोलन में हिंसात्मक प्रवृत्ति का पदार्पण हो गया तो सरकार का दमन चक्र और तीव्र हो जाएगा, उसको संवहन करने के सामर्थ्य और भारतीय में नहीं था, उसको सहन करने का सामर्थ्य भारतीयों में नहीं था। सरकार के दमन चक्र का भय और आतंक बहुत समय तक भारतीयों के मन में छाया रहा, जिससे राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य बहुत दूर चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो राजस्व प्राप्ति का जो हमारा लक्ष्य है वो क्या हो जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, अगर डर हो जाएगा भारतीयों में तब। आगे देखते हैं, उपयुक्त कारणों से गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करना ही उचित समझा। अपना असहयोग आंदोलन का महत्व, असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था, यह हमारी हेडिंग हो जाती है, इसको देखते हैं। आंदोलन को प्रारंभ करते समय गांधी जी ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि उनके कार्यक्रम के अनुसार आचरण करने पर एक वर्ष के भीतर राजस्व प्राप्त हो जाएगा, किंतु यह आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्ति में असफल रहा। यह एक वर्ष में कैसा हो जाएगा, राजस्व प्राप्त हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उपयुक्त कार्य का यह अर्थ नहीं कि असहयोग आंदोलन पूर्णतः असफल रहा, यह आंदोलन
का राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में विशेष महत्व है। कह रहे गांधी जी ने आपका गांधी जी ने कांग्रेस को एक सुव्यवस्थित व सुसंगठित रूप प्रदान किया और उसे एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया। कांग्रेस को क्रांतिकारी के रूप में परिवर्तित किसने किया था? गांधी जी ने ही किया था। प्रदेश का सुसंगठित रूप से प्रदान किया और उस एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया। देश के कोने कोने में एक जैसे नारे लगाए जाने लगे, एक जैसी विचारधारा दिखाई देने लगी, अंग्रेजी भाषा का महत्व समाप्त हो गया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन का निम्नलिखित महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये यहां पर देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है अपना राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया, जो राष्ट्रीय आंदोलन था पहले, उसके बाद क्या मिला? जन आंदोलन मिला। ठीक है भाई, बिल्कुल। देखा है राष्ट्रीय आंदोलन का जन आंदोलन का रूप प्रदान करना, देखा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन की महत्वपूर्ण देन यह है कि इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। समस्त देशवासियों ने अपने आप को कांग्रेस के झंडे के नीचे संगठित किया। जनता ने अपूर्ण साहस व त्याग की भावना का संचार हुआ। प्रत्येक जाति व वर्ग के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग ले रहे थे। अतः यह आंदोलन गांधी जी व कांग्रेस की महान सफलता के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर देखा है इस संबंध में प्राय किसने कहा है, यह कहा है कूपरलैंड ने लिखा है कि गांधी जी ने यह काम किया जो तिलक नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है भाई, यह हो जाती राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में प्रदान करना गांधी जी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारी कौन सी हेडिंग हो जाती है? सेकंड हमारा हो जाता है, ये हेडिंग नहीं है, ये हम देख रहे हैं क्या चीज है। हाँ, इस आंदोलन का क्या योगदान रहा। ठीक है, असहयोग आंदोलन का क्या योगदान रहा, पहली हेडिंग। अब सेकंड हेडिंग हमारी हो जाती है कांग्रेस की नीति में परिवर्तन। कांग्रेस की नीति में कुछ परिवर्तन हुए इस आंदोलन के कारण। फिर रखा है अभी तक कांग्रेस की नीति वैधानिक साधनों पर सीमित थी। कांग्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार सरकार के प्रार्थना के स्थान पर सीधी कार्यवाही का मार्ग ग्रहण किया था। पहले उदारवादी थे, अब क्या हो गए, उसके अपोजिट हो गए। ठीक है, मतलब सीधी कार्यवाही करने लगे। फिर थर्ड हमारी हेड हो जाती है स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम। ठीक है, तो गांधी जी के आंदोलन ने भारतीय जनता में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम, आकर्षण और लाभ और लगान उत्पन्न किया। ठीक है, सॉरी, लगाव उत्पन्न किया। इसी कारण विदेशी वस्तुओं और विदेशी सरकार के बहिष्कार की भावना जागृत हुई। ठीक है भाई, यह हो जाता है स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम। अब इसी आंदोलन के कारण क्या हुआ, एक हमारा हो जाता है यहां पर चौथी हेडिंग, समाज सुधार कार्य भी इस आंदोलन के अनुसार देखे गए। जैसे आंदोलन के द्वारा देश में सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान दिलाया गया, अस्पृश्यता निवारण पर जोर दिया गया, छुआछूत जो होती है छोटी जाति बड़ी जाति के बीच, शराब की दुकानों को पर धरना देकर मद निषेध को प्रोत्साहित किया गया तथा पांचवी हेडिंग हमारी होती है आंदोलन को राजस्व की मंजिल के ओर ले जाना। ठीक है, आंदोलन को राजस्व की मंजिल के रूप में, तो यहां पर होता है गांधी जी का यह आंदोलन राजस्व की मंजिल बन गया। इस आंदोलन के प्रारंभ से जनसाधारण में राजस्व के रूप दिखाई देने लगे और कालांतर इसी प्रकार के आंदोलन से भारतीय को स्वतंत्रता मिली। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारा हो जाता है खत्म। आगे भी है क्या? बस यही है। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा देखाइए, हमें देख लिया यहां तक क्या है, स्वतंत्रता मिली। आगे देख लेते हैं, इसके लिए यहां दे रखा है अपना अंत में आंदोलन के महत्व को पुनः प्रोकुपरलैंड के शब्दों में क्या दे रखा है, व्यक्त किया है, व्यक्त किया सकता है कि गांधी जी ने आंदोलन को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया वैधानिक साधनों द्वारा नहीं, वाद विवाद और समझौते के द्वारा नहीं, अपितु
अहिंसा की शक्ति के द्वारा गांधी जी ने आंदोलन को क्रांतिकारी बनाने के साथ लोकप्रिय की भावना बना दी। डैश गांधी जी के व्यक्तित्व में भारतीय ग्रामों में जागृति उत्पन्न कर दी थी। ठीक है भाई, तो यहां पर ये हमारी हेडिंग हो जाती है। आगे कुछ आगे इतना ही लग रहा है मुझे तो। लॉर्ड एवन नहीं, गांधी एवन फैक्ट नहीं, यहीं तक है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा हो जाता है अशोक आंदोलन संबंधित सारे के सारा फैक्ट यहां पर खत्म होता है। ठीक है, और जिस किसी को भाई नोट्स चाहिए, ठीक है, जिस किसी को नोट्स चाहिए कहां मिलेगा, वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक, या फिर आपको www.paperhacker.in पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी प्रकार से मैंने आपको समझाया, एक समझाना ही हो गया इसमें, समझाना क्या है, पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ क्या है, पढ़ना है बस, आपको दिमाग से अच्छी प्रकार से देखना है कि हाँ ये कहाँ पर बोल रहे हैं, क्या लेकर क्या है। ठीक है, बस आपको सुनना है सिर्फ और देखना है। दो तीन हेडिंगें हैं उनको आपको याद करना है, चोरी चोरा कांड, उसके बाद क्या हुई थी, जो अपने केसर हिंद की उपाधि वो त्याग दी थी। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी आप सब कुछ लिख सकते हो आराम से, हेडिंग आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप क्या करना, नोट डाउनलोड कर लेना, एक बार फिर रिपीट कर लेना। ठीक है, यह नोट्स आप पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे क्लास की। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।